गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के एक नए समसामयिक मुद्दों पर बात करते हुए। आज का मुद्दा है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो एक भुलाया गया एक अनकही कहानी हवलदार शेरे बहादुर थापा की। जी हां, आज हम बात करेंगे हवलदार शेरे थापा की, एक ऐसा शौर्यवान ऐसा दिलेर जाबाज गोरखा जिसने अपने दम पर एक लाइट मशीन गन से लगभग 3 दिन 72 घंटे तक 200 चीनी सैनिकों को रोके रखा और अंत में जब उनको मालूम लगा कि उनके लिए बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं तो उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में 70 चीनी सैनिकों को सिंगल हैंडेड मारा। जी हां, यह कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह की विशेष कहानी हमेशा वीर गोरखा वेब टीवी एक लंबे प्रयास और लंबे शोध के बाद आप तक लेकर आता रहा है। हम बात कर रहे हैं शेरे थापा की। अरुणाचल प्रदेश में 18 अक्टूबर 1962 के दिन जब शेरे थापा अपनी एक पोजीशन में एक पोस्ट के तो उस समय वहां पर चीनी सैनिकों ने अचानक से एम्बूस लगाकर पूरे एरिया के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने वाले पुल को तहस नहस कर दिया। पूरा क्षेत्र पूरी तरह से रिइंफोर्समेंट के लिए बिल्कुल भी कट सा गया और पूरे भारत के सेना जितने भी वहां पे मदद के लिए आ सकते थे लगभग वह एक तरह से कट से गए। लगभग 3 दिन 72 घंटे का समय लगातार शेरे थापा ने, हवलदार शेरे थापा जो शहीद हुए, उन्होंने बिना किसी अन्न जल के लगातार केवल भारत माता की रक्षा के लिए चीनी सैनिकों को लगातार रोके रखा और एक भारी बढ़त, बहुत बड़ा इलाका था, उस पूरे इलाके को चीनी आक्रमण से सुरक्षित किया। यहां तक कि उन्होंने बहुत ही अदम्य साहस दिखाया और उनके साहस दिखाने के बाद चीनी सैनिकों ने भी उनके शौर्य को माना और गोरखा की किंवदंती जो चीनी सैनिकों के दिमाग में बसा है कहीं ना कहीं वह मेजर उस समय के बाद के लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा हो या शेरे थापा हो, ऐसे ही शेर दिल गोरखा सैनिकों के नाम से चीनी सैनिक थर थर कांपते हैं। आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा डोकलाम में जिस तरह की स्थिति आई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय को तलब किया था कि वहां पर गोरखा रेजिमेंट की तैनाती की जाए। हालांकि वो मामला सुलट सा गया लेकिन फिर भी 1962 के युद्ध में गोरखाली समाज के जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने भारतीय सेना के लिए बेहतरीन अदम्य योगदान दिया। सैकड़ों गोरखा सैनिक इस दौरान शहादत को प्राप्त हुए। भारत माता के लिए अतुल्य योगदान देते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी या यूं कहे देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इस युद्ध में जिस तरह से हवलदार शेरे थापा ने बेहतरीन अपना अदम्य योगदान दिखाया, उसके अलावा कई सारे ऐसे भारतीय जाबाज सैनिक भी हुए जिन्होंने चीनी आक्रमण को भारत के तमाम सीमाओं से भारत की तरफ आने से रोका। हालांकि इस युद्ध में भारत की पराजय हुई लेकिन इस पराजय ने जो भावनाओं को उद्वेलित किया और जिसके बाद भारत ने अपनी सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने एक बेहतरीन रक्षा तंत्र को खड़ा किया वह भी आज आप सभी के सामने है। भारत के लिए एक भुलाए गए हवलदार शेरे थापा की कहानी देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। भारत चीन के बीच 1962 के जंग में बहादुरी की मिसाल बने गुमनाम शहीद गोरखा हवलदार शेरे थापा की कहानी अपने आप में बेमिसाल जांबाजी की शौर्य गाथा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी भारत माता के लिए दे दी। ऐसी है जाबाज की अदम्य साहस एवं शौर्य की कहानी हम सभी को याद करने की जरूरत है। शेरे थापा उन गिने चुने भारतीय वीर शहीद सैनिकों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अकेले दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अकेले लाइट मशीन गन के बदौलत 155 चीनी सैनिकों को मारने वाले शेरे थापा की युद्ध कला में बहादुरी को देखते हुए दुश्मन देश चीन ने भी उनकी शहादत के बाद उनको पूरा सैन्य सम्मान देते हुए उनका अंतिम देह वहीं पर दफनाया था।
युद्ध के दौरान भारतीय चौकी को बचाने के लिए शेरे थापा ने एक बंकर में मोर्चा लेते हुए चीनी सैनिकों के एक बड़े दस्ते का जमकर मुकाबला किया। लगातार उनकी बढ़त रोकने के मद्देनजर अपने पास मौजूद लाइट मशीन गन की गोलियों से वह लगातार दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे। इस दौरान उनके पास जितना भी असला बारूद मौजूद था उसके बलबूते उन्होंने लगातार गोलीबारी करना जारी रखा। वह भी 3 दिन लगातार बिना खाए पिए केवल दुश्मनों से भारत को सुरक्षित बनाने के लिए। आखिर में जब चीनी सेना ने उन्हें पूरी तरह घायल कर दिया तब उन्होंने भारतीय सेना के बैकअप आने का इंतजार न करते हुए उन्होंने चीन के सैनिकों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए आगे अपना मन बना लिया। हवलदार थापा ने जब महसूस किया कि अब वह अपनी जान नहीं बचा सकते तब उन्होंने बाहर आकर बंकर से दुश्मनों की बढ़त को नाकाम करने के लिए अधिक से अधिक चीनी सैनिकों को मारने के मंसूबे से दनादन सामने से फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन जवाबी फायरिंग में वह देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग एक बड़े अफसर समेत 30 सैनिकों के मरने का आकलन किया, लेकिन अगले ही दिन चीनी रेडियो में अनाउंस किया गया कि कुल 155 चीनी सैनिक मारे गए। हवलदार थापा के इस शानदार कारनामे को किसी भी प्रकार का उचित सम्मान अब तक नहीं मिला है, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी तरह का वीरता पदक भी नहीं दिया गया, लेकिन उनकी भूमिका को आज भी वहाँ के स्थानीय लोग याद रखते हैं एवं उन्हें अपने दिलों में आज भी बसाकर रखा हुआ है। दुश्मन देश होने के बावजूद चीन आज भी उनकी बहादुरी के लिए उनको याद रखता है। स्थानीय लोगों के बीच अपनी बहादुरी की चलते किंवदंती बने शहीद शेरे थापा का पार्थिव अवशेष अरुणाचल प्रदेश की लेनी के गांव के द्वारा एक स्मारक के तौर पर वहां पर बनाया गया था। दो जैक राइफल्स के जवान शेरे थापा ने 1962 के युद्ध के दौरान न केवल 155 चीनी दुश्मनों को ढेर किया बल्कि तामा चुंगचुंग रिज जो अपर सुमानसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पर लगातार अपने दम पर 250 सैनिकों का 3 दिन तक लगातार मुकाबला किया। शेरे थापा जैसे वीर सपूत के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि वह 27 दिसंबर 1928 को नेपाल में पैदा हुए और कश्मीर के राजा के द्वारा जम्मू में साल 1821 में स्थापित 2J&K राइफल्स में वह 27 दिसंबर 1945 को भर्ती हुए, जहां वह 31 दिसंबर 1956 तक सेवारत रहे। उसके पश्चात 1 जनवरी 1957 को वह भारतीय सेना में एनरोल हुए। शहीद थापा के बारे में व्यक्तिगत जानकारी बहुत कम है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार उनकी पत्नी का नाम दिली एवं 3 बेटियों के नाम धनीसारा, सियानी और नूरमा थी। उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं घर का पता किसी भी तरह के आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। थापा के बारे में कहा जाता है कि 1962 के युद्ध के हीरो जसवंत सिंह रावत के मुकाबले उनकी शहादत एवं वीरता किसी भी मायने से युद्ध भूमि पर दिखाए गए अदम्य शौर्य में किसी भी स्तर में कम नहीं पड़ता था। जैसा कि आपने देखा, भुलाए गए लगभग एक गोरखाली समाज के हीरो 1962 में जिस तरह से जसवंत सिंह ने एक बहादुरी दिखाई थी, तकरीबन उसी समतुल्यता के वीरता को भारत सरकार ने कभी महत्व नहीं दिया, यह बेहद चिंता का विषय है। आज भी शेरे थापा के बारे में खुद भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखालियों का एक बहुत ही छोटा सा अंश भर का जो हिस्सा है उन्हीं को इसके बारे में जानकारी है। अरुणाचल प्रदेश की युद्ध भूमि में लड़ने वाले हवलदार शेरे थापा को याद करने की जरूरत है, उनके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। जितने भी लोग गोरखाली समाज के हैं जो इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस खबर को अपने बच्चों को दिखाएं ताकि भविष्य के लिए हम एक बेहतरीन अपने लिए आदर्श पैदा करें। सेना में जाना गोरखाली समाज के लिए सर्वोच्च एक प्राथमिकता रहती है, लेकिन इस तरह की कहानी को जानना जरूरी है। सेना में जाना अर्थात दिलेरी का होना बेहद आवश्यक तत्व है। इस तरह की कहानी आप अपने आस पड़ोस के युवा बच्चों को दिखाएं, खुद देखें, औरों को भी दिखाएं। जो पहली बार इस चैनल को प्रोग्राम के तहत देख रहा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वीर गोरखा वेब टीवी बहुत जल्द ही एक गोरखा
जो जनरल इंडियन आर्मी में काम करते हैं उनके बारे में एक सिलसिलेवार एक स्टोरी लेकर आ रही है। इस काम के लिए संचालन के लिए आप मुझे मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये नीचे स्क्रीन में दिया गया मेरा पेटीएम नंबर है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी डिटेल्स डाली है। आप वहां जाके मेरे संचालन को और बेहतरीन काम कर पाओ उसके लिए मदद कर सकते हैं। इसी तरह की ताजा तरीन और बेहतरीन और अनकही कहानी आपके साथ पहुंचाता रहूंगा। वीर गोरखा वेब टीवी का दीपक राय यह वादा करता है, लगातार हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा।